हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी कैंडेड। आज आम एक क्लास रे डिस्कशन करवा वन्य प्राणी संबल ये रही तो मानकर जियोग्राफी यूनिट टू चैप्टर टू रे वन्य प्राणी संबल क्लास पाई गुड़ाए पिला रिक्वेस्ट करतेपाई ये क्लास टी आम नहीं आज क्लास रे आम यार पार्ट वन को डिस्कशन कर नेक्स्ट टाइम आम यार पार्ट टू विषय जाने। आज क्लास रे आम डिस्कशन करवा संबल मध्य वन्यप्राणी संबल कौन गुरुत्व रही पृथ्वी रे जैव विविधता सम्बन्धी तथ्य भारत जैव विविधता एवं भारत रे वन्यप्राणी मानकर भीतर डिटेल डिस्कशन कर आशा करी वीडियो टी पूरा देखापी जद्वारा ये क्लास सम्बन्धी जहाँ जहाँ डाउट रही क्लीयर होपर सो स्टे अप टू दि एंड Let's get started. तुम्हें मैंने जानी छो जे विभिन्न प्रकार संबल रही जेपरी भू संबल मृतिका संबल जल संबल अरण्य संबल शक्ति संबल वन्यप्राणी संबल इत्यादि एम वन्यप्राणी संबल अन्यतम पशु पक्षी माछ पैंच कुंभीर साप बेग जोक अणुजीव ये समस्त को नहीं आमर वन्यप्राणी संबल रही जैवमंडल जैव विविधता सृष्टि वन्यप्राणी संबल अन्य संबल मान भाई सामान गुरुत्व रही वन्यप्राणी संबल विषय पढ़ा बेले आम गोटे जिनस गुरुत्व आरोप करूँ से हूँ परिसंस्था। साधारणतः जीव और यार परेश परिसंस्था गठित होता है विभिन्न अंचल अनुजाई परिसंस्था गुड़िक भिन्न भिन्न होता जेपरी मरु परिसंस्था तुंद्रांचल परिसंस्था अरण्य परिसंस्था सामुद्रिक परिसंस्था इत्यादि अर्थात जो अंचल विषय में डिस्कशन करठार रोकवा समस्त जीव और तार प्रकृति मान परेश अंचल परिसंस्था गठित होता है जपरी आम जदि सामुद्रिक अंचल कथा डिस्कशन करवा सामुद्रिक क्षेत्र और सेठार रोकवा विभिन्न प्रकार प्राणी मानक नहीं कि आम सामुद्रिक परिसंस्था गठित होता है। परिसंस्थार संतुलन रक्षा करने अनेक प्राकृतिक क्रिया जारी रही थाए जपरी जैव भू रासायनिक चक्र अर्थात आम परेश रही केतक पदार्थ जपरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर आदि पोषक कुंडर पृथ्वी को आसती जीव मान शरीर गठित होता है खाद्य पदार्थ मध्य निर्माण होता है अपघटन हो प्रत्येक जिनस गुड़िक पोषक कुंड को फेरी जाए यह आम जैव भू रासायनिक चक्र बोली कहूँ क्लास टेन्थ साइंस टू रे अर्थात लाइफ साइंस बही रे आर गोटे स्पेशल चैप्टर अच्छे से तुम्हें यहाँ डिटेल कर ठीक से ही अन्य केते गुड़िया प्राकृतिक क्रिया हूँ खाद्य श्रृंखल खाद्य जाली और परिसंस्था शक्तिर प्रभाव जियोग्राफी में एगुड़िक केवल दिक रही तुम्हें नर्माल यहाँ मन रख एम गोटे गोटे प्राकृतिक क्रिया अटंती जैव विविधता रक्षा करने पृथ्वी रे प्राकृतिक संतुलन बजाय रखापी ए प्रत्येक क्रियार अनेक गुरुत्व व आवश्यकता रही बर्तमान जानवा जे एक्जाक्टली जैव विविधता कौन क्लास नाइन्थ रे तुम्हें मैंने जैव विविधता विषय में अनेक जिनस कौनसी गोटे निर्दिष्ट अंचल जीव मान अन्य विविधता को नहीं विभिन्नता को नहीं एकत्र सहावस्थान को आम जैव विविधता कहू पृथ्वी में भिन्न भिन्न प्रकार परेश रही एवं विभिन्न अंचल अनेक प्रकार जीव एकाठी मिलमिशी बसवास करती से भर विभिन्नता को छाड़ से एकत्र बसवास करती ही आम जैव विविधता कह जैव विविधतार अनेक गुड़े कैटेगरी रही जपरी जिनीय विविधता जाति विविधता एवं परिसंस्थीय विविधता इत्यादि जैव विविधता अनुसार आम पृथ्वी को टोटाल 12 बृहत केन्द्र एवं 18 तप्तस्थल विभक्त कर खाद्य उत्पादन और भक्षण को भित्तिक आम समुदाय जीवजगत को साधारणतः तीन भाग डिवाइड करूँ जथा उत्पादक भक्षक और अपघटक बेले बेले अपघटक मानक भक्षक श्रेणी अंतर्भुक्त कर उत्पादक कहले आम बुझा सबुज उद्भिद एवं अन्यान्य केतक जीव जो मैंने विशेष प्रक्रिय खाद्य प्रस्तुति कर सबुज उद्भिद
आलोक श्लेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुति करता है। नीलहरित शैवाल किंवा पाटल बैक्टेरिया प्रक्रिया मध्यम खाद्य प्रस्तुति करते हैं। आम उत्पादक कहू साधारणतः सबुज उद्भिद को उत्पादक कहुए जेहेतु से निजपे आवश्यक होता समस्त खाद्य प्रस्तुत करें तेणु यह स्वपोषी कहुए। ठीक से ही भक्ष्य कहले समस्त प्राणी मान बुझाई थाए समस्त परपोषी मान भक्षक कहुए बा भक्षक मान हूँ परपोषी कारण ये निज खाद्य निजे प्रस्तुत करपारती ना। ठीक से ही बैक्टेरिया और कवक मैंने प्रत्येक जैविक पदार्थ मान अपघटन करतीमती आगर कहली कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर आदि आवश्यक पोषक गुड़ी से पोषक कुंड को फेराई देखिए अपघटक कहते परपोषी मान से आकार अनुसार साइज अनुसार आम दुई भाग डिवाइड करूँ जथा सूक्ष्म भक्षक और बृहत भक्षक। पृथ्वी में मोट 12 विशाल जैव विविधतापूर्ण देश रही समस्त भितर भारत मध्य गोटे भारत में विशाल जैव विविधतापूर्ण अंचल देखाए और विभिन्न जातिर प्रजातिर प्राणी और उद्भिद मैंने बसवास कर देखा मिले। भारत में प्राय 99,000 प्रकार पशु देखा जाती जहाँकि तुम्हें जान जे सारा पृथ्वी में 15,00,000 प्रजातिर पशु देखा जाती से ही भितर 99,000 प्रकार पशु भारत में रही। ठीक से ही भारत में 1200 प्रजातिर पक्षी अच्छा 45,000 रु ऊर्ध प्रजातिर उद्भिद रही 2500 प्रजातिर माछ देखा जाती छड़ा भारत में 5 विश्व ऐतिह्यस्थल 18 जीवमंडल संरक्षण स्थल एवं 26 रामसार स्थल बा आद्रभूमि रही। भारत में जातीय उद्यान संख्या प्राय 100 अभयारण्य संख्या प्राय 535 वर्तमान अपडेट होती किंतु बहिरे जेहेतु ए पॉइंट गुड़ाक मेनसन कराई तेनाली अपडेटेड डाटा तुम मानक देना बहिरे जहाँ डाटा रही सेम टू सेम डाटा तुम मानक दि जाए कि मन रख जातीय उद्यान संख्या 103 रु अधिक हो सारा एवं अभयारण्य संख्या 535 रु अधिक हो सारा। वर्तमान आम देखा भारत में वन्यप्राणी मान वितरण भारत केतेक मुख्य वन्यप्राणी मान हाथी बाघ सिंह एम अंतर्भुक्त अटंती। हाथी भारत आसाम केरल कर्णाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा एवं झारखंड राज्य मान देखा जाए। ठीक से ही सिंह गुजरात सौराष्ट्र गीर ठारे देखा जाए गीर ठारे एक सिंह अभयारण्य रही राजस्थान थर मरुभूमि ओटो जंगली गध अधिक मात्रा देखा जाती पश्चिम बंगर सुंदरबन ठारे महाबल बाघ मान देखा जाए। ओडिशार नंदनकानन और रेवा मरुभूमि धला बाघ मैंने बहुत मात्रा देखा मिले। आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क में एकसिंगा गंडा एवं हुल ह्यूमन मैंने देखा जाती हुल ह्यूमन मानक आम बण मनीष राजस्थान में भारतीय बुस्टार्ड यह एक पक्षी अटे देखा जाए और सिक्किम लाल पांडा मैंने देखा जाती दार्जिलिंग में नीलगाई आउ चौसिंगा हरण मैंने देखा जाती मन रख ये दुटा कौन दुईट विरल प्रजातिर प्राणी नीलगाई आउ चौसिंगा हरण। तुम्हें जान भारत जातीय पशु होगी बाघ जातीय पक्षी मयूर एवं भारत जातीय ऐतिह्य प्राणी होगी हाथी ए लास्ट पॉइंट को मन रख भारत जातीय ऐतिह्य प्राणी होगी हाथी। तेल पाने क्लास टी आज ये आशा करमान क्लास टी निश्चित भाव लगे जदि क्लास टी भल लगी है तो लाइक कर सांग सहित सेयार कर और कमेंट कर निजर मतामत जना आम चैनल सब्सक्राइबर संख्या 50,000 क्रॉस कर थी वारू आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हो आगामी अध्याय एक नुआ टॉपिक से टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।